सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप सभी का बजट है 10 से 11 हज़ार के आसपास, और आप भी अपने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं या कोई न्यू स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो इस बजट रेंज में आपको एक से एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। और हमने भी आपके लिए स्मार्टफोन लाया है जिसमें आपको मल्टीटास्किंग, एक अच्छा सा प्रोसेसर, एक अच्छा सा कैमरा, प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको टॉप क्लास के देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो 5th नंबर पर मोबाइल आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C33। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलता है, साथ में एक प्रीमियम सा लुक भी देखने को मिलता है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज, और बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें Unisoc T612 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें इसके रियल कैमरा की, तो रियल में आपको 50+0.3 MP का रियल कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलता है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों आपको 4 GB RAM, 64 GB वाला वेरिएंट आपको 10,000 रुपये में देखने को मिलता है। 4th नंबर पर जो मोबाइल आता है दोस्तों, इनफिनिक्स की तरफ से आता है, इनफिनिक्स नोट 12। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलता है, साथ में आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले के साथ एक प्रीमियम लुक के साथ फ़ोन देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें इसके भी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज, साथ में 512 GB तक मेमोरी कार्ड भी आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6.7 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें इसके कैमरे की, तो 50 MP+2 MP, और साथ में डेप्थ का एक सेंसर देखने को मिलता है। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 16 MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में इसमें आपको MediaTek हीलियो का G88 का पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं। और फाइनली बात करें इसके भी प्राइस की, तो दोस्तों ये आपको 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 10,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। 3rd नंबर पर जो मोबाइल है दोस्तों, आपको रेडमी की तरफ से देखने को मिलता है, रेडमी 10। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट तक मोबाइल भी सोल्ड हो चुके हैं। दोस्तों बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज, 1 TB तक मेमोरी कार्ड भी आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, 6.7 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। बात करें कैमरा की, तो 50 MP+2 MP का रियल कैमरा, और साथ में 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी आराम से कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें इसके फाइनल प्राइस की, तो ये आपको 4 GB RAM, 64 GB वाला वेरिएंट आपको 10,000 में देखने को मिल जाता है, और ऑफ़र में और भी कम रहता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में 2nd नंबर पर जो मोबाइल है वो मोटो की तरफ से, मोटो G31। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने 2nd नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको एक प्रीमियम लुक के साथ डिस्प्ले और नॉर्च सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। जो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज और 1 TB तक मेमोरी भी इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके कैमरे की, तो रियल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो 50 MP+8 MP+2 MP का देखने को मिल जाता है। बात करें इसके सेल्फी की, तो फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें इसकी बैटरी के, तो 5000 mAh की बैटरी, टेक का G88 प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करें इसके फाइनल प्राइसिंग की, तो
4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 10,500 रुपये में देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस ऑफर में कम ज़्यादा होते रहती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली फर्स्ट नंबर पर जो मोबाइल है दोस्तों, वो बताने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इसके मोबाइल की, तो इसमें मोबाइल आपको पोको की तरफ से देखने को मिल जाता है, पोको M5। जी हाँ दोस्तों, बात आना चाहूँगा कि इसको हम फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें आप हर चीज़ एक बेटर क्वालिटी और टॉप नोट से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन की दोस्तों, तो इसमें 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ आप 512 GB तक मेमोरी भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और बात करें डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले भी है दोस्तों। इसमें क्वाड कैमरा के साथ ये 5 MP, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और बात करें फ्रंट के, तो 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी के साथ आता है। और बात करें प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें आपको MediaTek का G99 प्रोसेसर दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी पावरफुल है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। और बात करें इसके अंतुतु स्कोर की दोस्तों, तो इसमें 486 का अंतुतु स्कोर भी आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करें इसके फाइनल प्राइस की दोस्तों, तो आपको ये 10,500 में देखने को मिल जाता है, और ऑफ़र वगैरह में और भी कम देखने को मिल जाता है, और कभी कभी इसके रेट बढ़ा भी देते हैं दोस्तों। तो जैसे आप ही इसके रेट थोड़ा सा कम होता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ट्रू टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।